अब क्लाइमेट चेंज तो हर किसी को अफेक्ट कर रहा है. लेट्स गेट एजुकेटेड अबाउट इट. डू समथिंग एट पर्सनल लेवल. पर्यावरण का जो मुद्दा है वो खाली कॉलेज का नहीं है, एक शहर का नहीं है, पूरे भारत का और पूरे विश्व का एक मुद्दा है. पेड़ लगाओ और कूड़ा मत फेंको. लेकिन पेड़ लगाने से और कूड़ा ना फेंकने से जो बाढ़ आ रही है वो कैसे रुकेगी? हमारे लाइफ में सब कुछ रोज रोज क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है. अभी जो हमने कपड़े भी पहने हैं, जो हम खा रहे हैं, जहाँ भी हम जा रहे हैं, जैसे भी हम अपने प्लान्स कर रहे हैं, वो सब कुछ क्लाइमेट के अनुसार ही हम रोज कर रहे हैं. लेकिन अगर ये क्लाइमेट ही हर रोज ड्रास्टिकली चेंज होने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? बचपन से लेकर अभी तक हमने एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को साइंस में सिर्फ एक चैप्टर की तरह पढ़ा है. लेकिन आज क्लाइमेट एक इतना बड़ा इशू बन चुका है कि वो हर रोज हमारी और आपकी लाइफ अफेक्ट कर रहा है. क्या कोई ऐसी जगह है जो मुझे एक सही डायरेक्शन दे सके इस चीज के लिए? इसीलिए आज हम आपको लेके चल रहे हैं क्लाइमेट जस्टिस लाइब्रेरी में. क्लाइमेट जस्टिस लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ हर कोई जा सकता है और हर तरह की बुक्स पढ़ सकता है जो कि क्लाइमेट के डिफरेंट इंटरसेक्शंस पे बेस्ड हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. तो चलिए चलते हैं. मेरा नाम विजय है, मैं दिल्ली से हूँ और मैंने कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ी स्कूल के बाद. उसके बाद मेरा इंटरेस्ट वर्ल्ड सिनेमा में हुआ तो मैं कॉलेज में गया. दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, स्वामी सर्वानंद कॉलेज अलीपुर में. तो जैसे ही मैं उस कॉलेज में गया, उस कॉलेज में सेशन यूथ एक्टिविज्म के बारे में हो रहा था. तो वहाँ पे उस सेशन के दो हफ्ते बाद वहाँ से दो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, रचित और सुप्रिया. उन्होंने बोला कि वो कुछ एक ग्रुप कलेक्टिव स्टार्ट करना चाहते हैं, वो और किसी को यहाँ नहीं जानते हैं दिल्ली में. तो वो मेरे लिए एक ऐसा मौका था जहाँ पर मुझे लगा नहीं, मतलब शायद मैं जो कर रहा हूँ वो तो मैं कर सकता हूँ, बट शायद ये भी एक काम हो सकता है जो मैं शायद कर सकूँ. फिर 2020 में हम तीनों ने मिलके यूथ फॉर क्लाइमेट इंडिया स्टार्ट किया. तो हमारे जो तीन लोगों की टीम से हम एक कम्युनिटी आज बन चुके हैं, जिसमें हमारी टीम में 30 लोग हैं और हमारी जो कम्युनिटी है 12,000 लोगों की कम्युनिटी है. और जो कि एक छोटे कॉलेज ग्रुप से स्टार्ट हुआ था, फिर हमें समझ में आया कि नहीं, पर्यावरण का जो मुद्दा है वो खाली एक कॉलेज का नहीं है, एक शहर का नहीं है, ये पूरे भारत का और पूरे विश्व का एक मुद्दा है. जब मैं आती हूँ लाइब्रेरी में तो किताबें तो है ही, लेकिन मुझे इतने दिलचस्प और बहुत इंस्पायरिंग लोगों से मिलने का मौका मिलता है. जब हमने लाइब्रेरी बनाई, अभी लाइब्रेरी में तकरीबन 600 किताबें हैं जो कि पर्यावरण के डिफरेंट इंटरसेक्शंस पे है. अगर कोई जेंडर और क्लाइमेट पे पढ़ना चाहता है, रिवर्स पे पढ़ना चाहता है, वेस्ट पे पढ़ना चाहता है, कोई कोल माइनिंग पे पढ़ना चाहता है, एनर्जी पे, तो उन सब पे, वाइल्ड लाइफ पे, बर्ड्स पे, कंजर्वेशन पे, तो सब किताबें हैं. सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं. सब लोग बताते हैं कि वो कैसे अलग अलग चीज़ों में क्लाइमेट से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं. जब भी कोई बाढ़ आती है या कोई कलैमिटी होती है तो बच्चे और औरतें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, तो उन पर बहुत असर पड़ता है. तो सिर्फ क्लाइमेट के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखने को मिली किताबों के अलावा, लोगों से बात करके, अलग अलग इश्यूज़ से बात करके. अभी करंटली इंडिया के क्या पूरी दुनिया के कई छोटे छोटे पार्ट्स में कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट या कोई स्ट्रगल चल रही होगी, जहाँ पर मे बी इंडिजिनस लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे होंगे, या किसी बड़ी बड़ी कंपनी ने किसी गाँव के ऊपर फैक्ट्री बनानी. मतलब ऐसी चीज़ें चलती रहती है लेकिन नहीं मिलती सीखने को. और यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो उन मूवमेंट से और संगठनों से जुड़े होते हैं, तो वो मुझे बताते हैं. आई कैन नॉट इमेजिन अ फ्यूचर गिवन द सिचुएशन जो अभी क्लाइमेट का चल रहा है. इवन टुडे द वेदर इज लाइक सो प्लेजेंट एंड पीपल आर लाइक सॉर्ट ऑफ रोमांटिसाइजिंग इट, बट दे डोंट, व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज दिस इज नॉट अ वेदर फॉर इट टू रेन, यू नो. इट्स नॉट अ गुड थिंग. प्लेजेंट है, ऑल गुड, आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी गुड. इतना ज़्यादा हीट होता है उस टाइम पे, द वेदर इज़ दिस गुड, एवरीथिंग इज़ नाइस, बट देन एट द सेम टाइम इफ थिंग्स कीप गोइंग ऑन दिस द वे इट इज़ राइट नाउ, वी वॉन्ट बी हैविंग अ फ्यूचर. I'm from the UK and I'm a climate justice activist and photographer and filmmaker. This environmental movement is really, really interesting, especially for me as a photographer. I'm always thinking about how to better present and engage audiences with the history. Organisers and activists that are visiting Delhi should definitely add this to their list of places to visit. जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, पर्यावरण को पहले तो समझने की कोशिश करें किस तरीके से उनका जो खुद का लाइफस्टाइल है वो इम्पैक्ट हो रहा है. और साथ में जानना, अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप क्लाइमेट जस्टिस लाइब्रेरी विजिट कर सकते हैं. वहाँ पे हम साथ में मिलके सीखेंगे कि क्या समस्या है पर्यावरण की, उसको कैसे साथ में हम ठीक कर सकते हैं.